विवाद हिमाचल प्रदेश से की है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता से हम इस बात के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि अगर आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है तो उस सिलसिले में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ नियम बदलने पड़ेंगे, कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे और जनता जनार्दन के पास सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। पहली बार राजस्व अदालत लगी और 90,000 के करीब काल हुए, 6,500 के करीब तकसीम्स हुए। निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता है और भविष्य में भी हम इस प्रकार की अदालतों का आयोजन करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव क्या कुछ लेकिन प्राथमिकताएं बजट रहेंगी? की जाके मैं आज जो मीटिंग है पहली मीटिंग है, अभी पहली मीटिंग अटेंड करूंगा और 17 तारीख को जब बजट मिलेगा आपको चीज़ों को पता लग जाएगा किस प्रकार आर्थिक संसाधन है, कितनी आर्थिकी में हमारी वृद्धि हुई है और किस प्रकार हमारी आर्थिक स्थिति। मैं सिर्फ प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमने एक साल दिन रात मेहनत करके अपनी अर्थव्यवस्था को 20% पटरी पर लाया और जहाँ कर्मचारी वर्ग का हम उत्थान कर रहे हैं वहाँ आपदा के बाद हमें किसानों का भी ख्याल रखना है, बागवानों का भी ख्याल रखना है, मजदूर का भी ख्याल रखना है, महिलाओं का भी ख्याल रखना है, सभी वर्गों का ख्याल रखना है। लेकिन हमारी जो आय के स्रोत है उसको बढ़ाना है और राजस्व भी हमने बढ़ाना है, पूंजीगत खर्च को भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी। आपने एक इम्पोर्टेंट आर की जो मार्क्स है 10 नंबर उसमें ब्रेक किया जाएगा, जो राजस्व से संबंधित मामले हैं उसके भी नंबर फिक्स किए जाएंगे। अभी जो डिप्टी कमिश्नर्स और तहसीलदार है एक सेट प्रोसीजर है, इतने नंबर दे दिए, इतने नंबर दे दिए, तो हम उसमें सेट प्रोसीजर करना चाहेंगे कि तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, जो भी उस रैंक के ऑफिसर्स हैं उनकी ACR हो, राजस्व मामले कितने निपटा रहे उसके नंबर। सर सर जिला किताब ही नहीं है जो रिलीफ आया, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो हमें मकान आए वो मिलता है उसका 1.5 लाख, और किन को आए वो आपदा प्रभावित के लिए स्पेशल नहीं आए, वो सिर्फ उनके लिए आए हैं जो उस पंचायत की गाइडलाइंस के अंतर्गत आते हैं। सर दूसरा जो NDRF SDR में मिलता है तो बजटीय प्रावधान है। अब तो हम उनसे ये मांग कर रहे हैं कि आपने स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं देना है तो जो हिमाचल सरकार का क्लेम कम कट में मारेंगे तो भी 5,000 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, वो क्लेम हमें दिसंबर में मिलना चाहिए था जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, वो अब फरवरी भी आ गया अभी तक नहीं मिला। कहीं ना कहीं इसके पीछे के जो राजनीतिक रुपया सीखने वाले जो नेता है वो बेनकाब। सर 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 जिला हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।